यह वीडियो साइंस क्लास 7 चैप्टर 2 का पार्ट 6 है, आप पार्ट 5 तक प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो इसके पहले मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ाया और कैसे डाइजेशन होता है यह मैंने पढ़ाया और आपको सब समझ में भी आ गया होगा। तो डाइजेशन के बाद क्या होता है, हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपलर मॉलिक्यूल में डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा ब्रेक किया जाएगा, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा उसको क्या किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोगों ने देखा एलिमेंट्री कैनाल है, ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स से क्या निकल रहे हैं, एंजाइम्स निकल रहे हैं, तो वो भोजन को पचा रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने वर्ड यूज किया कि डाइजेस्टिव सिस्टम के द्वारा भोजन को पचाया जा रहा है। तो वह जब डाइजेस्टेड फूड हो जाएगा, मतलब वो सिंपलर मॉलिक्यूल में टूट जाएगा, तो नेक्स्ट स्टेप आता है, वह है एब्जॉर्प्शन। तो उसको क्या कर लिया जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में भेज दिया जाएगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो भोजन का अवशोषण होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, मुख्य रूप से कहां होता है, तो इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। हालांकि कुछ वाटर वगैरह का एब्जॉर्प्शन कहां होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, इसको जब डाइजेस्ट कर लिया जाएगा तो उसका जो अवशोषण है वह कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। तो यहाँ से सबसे पहला क्वेश्चन आपका आ गया, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। तो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो जो डाइजेस्टेड फूड है, जिसको डाइजेशन कर लिया गया है, वह वॉल ऑफ इंटेस्टाइन के ब्लड वेसल में पहुंच जाता है और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, व्हेन द डाइजेस्टेड फूड रीचेज इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इट इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एब्जॉर्प्शन। अब आगे देखते हैं एब्जॉर्प्शन कैसे होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, दीज आर कॉल्ड विली। तो जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है, पाइप नुमा रचना है और ये लगभग 7.5 मीटर लंबा रचना है। इसमें आप देखेंगे फिंगर लाइक इस प्रकार से प्रोजेक्शंस होते हैं। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो वाल है, दीवार है, उसमें फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं और उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, विली बोलते हैं, और वही क्या करते हैं, मुख्य रूप से एब्जॉर्प्शन का कार्य करते हैं। तो यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर विली, तो आंसर कर सकते हैं विली आर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर फिंगर लाइक आउटग्रोथ कुछ भी लिख सकते हैं, विच आर प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल पर पाए जाते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, विली बोलेंगे। तो यहाँ ये जो लिखा हुआ है, इसी से मैंने इसका आंसर आपको बताया कि विली को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि फिंगर लाइक स्ट्रक्चर या फिंगर लाइक आउटग्रोथ प्रेजेंट ऑन द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन आर कॉल्ड एज विली। तो विली क्या करेगा, विली क्या करेगा, भोजन को एब्जॉर्व करने का कार्य करेगा। तो यहाँ पर जो विली है वह सरफेस एरिया को क्या कर देता है, बढ़ा देता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन क्या हो सके, ज़्यादा हो सके। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन। तो ये इंटेस्टाइन में ये जो विली है, यदि विली को ऐसे देखें तो एक सिंगल विली को ऐसे आप देख सकते हैं और इसी में क्या होता है, ब्लड वेसल्स होता है। इस प्रकार से ये ब्लड वेसल्स होंगे, बहुत अच्छा मुझसे नहीं बन पा रहा है, लेकिन यही है विली और ये है आपका इंटेस्टाइन का वाल। तो यहाँ विली में यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का कार्य होगा और एब्जॉर्प्शन होके ये जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ चला जाएगा, ब्लड वेसल में। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, यदि ब्लड वेसल, तो ब्लड हमारे बॉडी में पाइप्स के थ्रू बहता है ऐसा समझ लीजिए। तो वो पाइप का नाम क्या हो गया, ब्लड वेसल। जिस पाइप में ब्लड का फ्लो हो रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ब्लड वेसल। तो इस ब्लड वेसल में कौन पहुंच गया, भोजन का पचा हुआ जो भोजन है वह पहुंच गया और इसके बाद ये पूरे बॉडी में भेज दिया जाएगा, पूरे बॉडी के प्रत्येक सेल तक भेज दिया जाएगा। और फिर जब वह भोजन का कण, पचा हुआ कण कहाँ पहुंचेगा, सेल में पहुंचेगा, तो उससे हम लोगों को क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। उस वो जो भोजन का कण है वहाँ पर वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, फिर से वो ब्रेक डाउन होगा और उसी से एनर्जी निकलता है और उस एनर्जी को हम लोग अपने
जीवन में उपयोग करते हैं, मतलब जो मैं अभी बोल रहा हूँ, जो जो फंक्शन मैं कर रहा हूँ, जो हमारा बॉडी फंक्शन कर रहा है, उसके लिए जो एनर्जी चाहिए वह उसी से मिलता है। और वो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे रेस्पिरेशन आगे के चैप्टर्स में। द विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ विली, तो विली क्या करता है, एब्जॉर्व करता है फूड, ये आप लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज और देख सकते हैं आप यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, विली इंक्रीज द सर्फेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विली क्या करता है, इंक्रीज करता है सरफेस एरिया को, ये वर्ड आपको याद रखना है, इंक्रीज कर रहा है सरफेस एरिया को फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। डाइजेस्टेड फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता है। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इट्स सरफेस। तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि ईच विलस वर्ड आ गया, विलस क्या हो गया, सिंगुलर हो गया, और विली क्या हो गया, प्लूरल। तो प्रत्येक विलस में बोला जा रहा है कि नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल होता है, जो मैंने अभी आपको दिखाया कि एक विली है उसमें क्या होगा, ब्लड वेसल का जाल बिछा होगा, और जब कोई न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब होगा तो वह फिर क्या करेगा, शरीर के दूसरे हिस्सों में उसको भेज देगा। द सर्फेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स एंड एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड विया द ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन्स रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। और साथ ही साथ इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज। तो ये तो पूरा लिखा ही हुआ है, तो इसको मैं पूरा डिटेल आपको समझा दे रहा हूँ। तो यहाँ पर अब जब वह जो न्यूट्रिएंट है वह ब्लड वेसल में पहुंच गया, मतलब जो पचा हुआ भोजन है वो ब्लड वेसल में पहुंच गया, तो ब्लड वेसल में पहुंचने के बाद वो बॉडी में अलग अलग पार्ट्स तक पहुंच जाएगा, और वहां पर उसका दो फेट होगा जैसे यहां पर बताया गया है और मैंने भी थोड़ा सा आपको बताया था। तो यहां पर वो ब्लड वेसल के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द बॉडी यानी कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंच गया, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज, जहां पर ये क्या करेगा, ये यूज होगा कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को बनाने में, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। तो यदि यहां से क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज एसिमिलेशन, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं द डाइजेस्टेड फूड इज यूज्ड टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। जो डाइजेस्टेड फूड है वह किस चीज के लिए यूज होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाने में यूज होता है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को बनाने में यूज होता है, जैसे कि प्रोटीन हो गया रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसका उपयोग करके बॉडी में आगे कुछ पदार्थों को बनाया जाएगा, या फिर बोलेंगे कि कॉम्प्लेक्स पदार्थों को बनाया जाएगा, उसे ही हम लोग, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन। तो आप इसका आंसर यहां से लिख सकते हैं। इसके बाद यदि क्वेश्चन पूछा जाए हाउ डू वी गेट एनर्जी, हम लोग एनर्जी कैसे प्राप्त करते हैं, तो आप देख सकते हैं इसका एकदम सीधा आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से। सीधा आंसर क्या हो सकता है कि ग्लूकोज के ब्रेक डाउन से हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। एक और आंसर ऐसे हो सकता है कि जब ग्लूकोज का रेस्पिरेशन के द्वारा ब्रेक डाउन होता है तो हम लोग एनर्जी प्राप्त करते हैं। आपने समझ लिया कि जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है रेस्पिरेशन के द्वारा तो हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, एनर्जी प्राप्त करते हैं। और तीसरा आंसर आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा डिटेल में बताया गया है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट पाचन होगा, पाचन के बाद विली क्या करेगा, अवशोषण करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स तक डिफरेंट ऑर्गन्स तक भेज देगा, और वहां से वो पहुंच जाएगा सेल में, कहां पहुंच गया, सेल में। तो यदि कार्बोहाइड्रेट का बात करें तो कार्बोहाइड्रेट से क्या बनता है, ग्लूकोज। आपको याद होगा कि कार्बोहाइड्रेट का जब पूर्ण रूप से पाचन होगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज। यदि आपको याद नहीं है तो पीछे के वीडियो को आप देखें, वहां पर पढ़ाया गया है। तो ये जो ग्लूकोज है कहां पहुंच गया, सेल में। चलिए मैं दिखा दे रहा हूं, ग्लूकोज कहां पहुंच गया, ग्लूकोज पहुंच गया है सेल में, और सेल में यहां पर ऑक्सीजन का प्रेजेंस या कभी कभी एब्सेंस में भी ये क्या हो जाएगा, ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेगा, क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन, और ब्रेक डाउन करके क्या बनाएगा, CO2 प्लस H2O और प्लस एनर्जी,
एनर्जी का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर O2 जरूरी भी है और O2 के एब्सेंस में भी आगे के चैप्टर्स में उसको पढ़ाया गया है कि कैसे ऑक्सीजन का जरूरी भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन है CO2, H2O और एनर्जी में, इसे ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, या फिर ऐसे बोले कि ग्लूकोज का जो ब्रेकडाउन है CO2 और H2O में और इसमें एनर्जी निकल रहा है, तो इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन बोलते हैं, या बोले सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। और सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन का जरूरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, अलग 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 परिस्थितियों में ऐसा होता है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर एनर्जी हम लोगों को मिल रहा है, तो यही वह प्रोसेस है जिससे हम लोगों के बॉडी में एनर्जी जेनरेट होता है। तो यहाँ आपको यदि पूछा जाए कि हाउ एनर्जी इज जेनरेटेड इन आवर बॉडी, तो इस प्रकार से आप एक आंसर कर सकते हैं। या इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि हाउ द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज टेक्स प्लेस, तो उसको भी आंसर यहाँ से कर सकते हैं। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक्स डाउन, ग्लूकोज ब्रेक होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। तो यहां पर ऑक्सीजन क्लियरली लिखा हुआ है कि जरूरी है, लेकिन आगे पढ़ेंगे आप कि जरूरी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी, और इससे क्या बन रहा है, CO2 वाटर और क्या बन रहा है, एनर्जी। तो यहां पर एनर्जी क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, और इसी एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, उपयोग करते हैं। तो आपको जो यहां पर लिखा है वही आपको आंसर कर देना है, यानी कि प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन यहां आपको लिख देना है। और आपको अब समझ में आ रहा होगा कि क्यों हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन इसलिए लेते हैं क्योंकि इसका उपयोग यहां पर हो रहा है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो अब जो फूड बच गया डाइजेस्टेड नहीं हुआ है वो कहाँ पहुंच जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, वह वाइडर होता है, थोड़ा चौड़ा होता है और शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कभी कभी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है कि लार्ज इंटेस्टाइन इज डैश क्या होगा एंड डैश देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आपको लिख देना होगा वाइडर होगा और क्या होगा, शॉर्टर होगा। इट इज अबाउट 1.5 मीटर। तो क्या आप बता सकते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन कितना लंबा है, यदि आपको याद नहीं है तो पीछे देखिए वीडियो में मैंने बताया है इन लेंथ। तो लार्ज इंटेस्टाइन कितना लंबा होगा, 1.5 मीटर इन लेंथ। तो क्या आप बता सकते हैं जो एलिमेंट्री कैनाल है वो कितना लंबा है, ये भी पीछे के वीडियो में मैंने आपको बताया है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको कि मेन एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो आंसर कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन पूछा जाए कि तो लार्ज इंटेस्टाइन का क्या फंक्शन है, तो ये क्या करेगा, इट एब्जॉर्ब्स वाटर एंड सम साल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। तो ये वाटर और कुछ साल्ट का एब्जॉर्प्शन करेगा अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से। द रिमेनिंग वेस्ट पासेज इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज सेमी सॉलिड फेसेस। तो आप देख सकते हैं जो बाकी बच गया पदार्थ वो क्या हो जाएगा, रेक्टम में आ जाएगा। द फेकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस। तो फेकल मैटर जो है वो एनस के द्वारा टाइम टू टाइम क्या कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा फ्रॉम टाइम टू टाइम। दिस इज कॉल्ड इजेशन। तो यही क्या हो जाएगा, इजेशन हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत चीज पढ़ा। पहले हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से इनटेक ऑफ फूड करते हैं, फिर उसका डाइजेशन करते हैं, डाइजेशन के बाद एब्जॉर्प्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हो गया, और एसिमिलेशन के बाद क्या हो गया, इजेशन। यदि क्वेश्चन आए व्हाट इज इजेशन, तो इस वीडियो में तो तीनों चीज हो गया, एब्जॉर्प्शन भी मैंने बता दिया, एसिमिलेशन भी बता दिया और इजेशन। तो इजेशन यदि पूछा जाए तो जब हम लोग जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या फिर बोलेंगे कि जो फिकल मैटर होता है उसको बॉडी के बाहर निकालते हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज इजेशन। तो द रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इस प्रकार से इसका आंसर हम लोग कर सकते हैं। तो तीन चीज़ इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा, पहला क्या पढ़ लिया, एब्जॉर्प्शन, फिर पढ़ लिया एसिमिलेशन, और तीसरा क्या पढ़ लिया, इजेशन। और उसके पहले हम लोगों ने देखा था कि कैसे फूड को हम लोग, यह है इजेशन और एक होता है इनटेक ऑफ द फूड। इनटेक ऑफ फूड में क्या हो गया, हम लोग फूड को लेते हैं और इसमें फूड को क्या कर रहे हैं, बाहर कर रहे हैं बॉडी के बाहर। तो फूड को नहीं कर रहे बाहर, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी के बाहर कर रहे हैं। इसके बाद आ जाएगा डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो इसको हम लोग नेक्स्ट के वीडियो में कंप्लीट करेंगे। मैं मिल रहा हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।